अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और बताएं किस किस ने मेरे व्लॉग को मिस किया, व्लॉग का मिस किया, क्योंकि देखिए मैं काफ़ी मेरे ख्याल से 3 to 4 5 डेज़ हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया, मेरा दिल ही नहीं किया। इवन कि मैंने ईद की भी कोई वीडियो नहीं पोस्ट की, ना कोई मुबारकबाद दी। यू नो, जब आपके अंदर से वो चीज़ ना एक दिल कर रहा हो करने को, तो आप फिर क्या कहते हैं, बज़ाहरी तौर पर भी नहीं करते हो। बज़ाहरी क्या बोल रही मैं, क्योंकि मैं थोड़ी अपसेट थी, कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी यार, प्लाटों से बड़ी गंदी स्मेल आ रही है। खैर, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी और उस वजह से मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। और इवन कि जब मैं देख रही थी ना अपने काम को कि मेरी वर्क प्लेस का हाल इतना गंदा हो, ये देखिए मेरे टेक्सचर का हाल कितना गंदा हुआ है, तो मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं किया। मेरा बस, मैं टेंशन में थी कि मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये मेरी डर्ट का कलर चेक करें क्या हो गया, ऊपर डस्ट वस्ट जम गई है। तो अभी भी स्टिल वही काम है। मैं अब ऊपर छत पे आई थी, तो आज ईद का तीसरा दिन है और मैंने कहा मैं देखूं क्या हाल चाल, क्योंकि वर्क प्लेस पे जो इस टाइम हशर मचा हुआ है ना, मेरा इन चीज़ों को देखकर, स्पेशली मेरी ये टेक्सचर भी हो गया हुआ है सेट, मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ अभी। तो ये जो रेड डर्ट का टेक्सचर मेरा इतना अच्छा सेट था, ड्राई था, फुल ड्राई था, लेकिन किसी ना किसी वजह से, मैं आपको व्लॉग्स में बताती रही कि क्या वजह बनी, वीडियोज़ ना बना रही, जिस वजह से मेरा टेक्सचर सारा बर्बाद हुआ है। खैर, स्टिल उसी दिन का मैं अपने काम को देख कर नीचे चले गई थी मेरे वर्क प्लेस पे, जो टब्स क्या मेरे को हो गए, टब्स में जो पानी था वो सारा इतना हैवी टब्स हो गए कि मेरे से हिम्मत नहीं मेरी हुई कि मैं इनके अंदर से पानी बाहर निकाल सकूं। लेकिन फिलहाल अभी मैं कुछ कोशिश करती हूँ इन टब्स को थोड़ा सा क्लीन करूँ, पानी वगैरह। और एक और चीज़ मैंने क्या करनी थी, वर्क प्लेस बहुत गंदी हुई है, गर्मी इतनी है शदीद, इतनी ज़्यादा यू नो एक ऐसा टेम्परेचर हुआ हुआ है कि दिल नहीं करता कि आप कोई इस तरह की एक्टिविटी करो, क्योंकि पसीना आ रहा होता है और उसकी वजह से जो आप की जो माइंड डिस्टर्ब हुआ होता है ना, उस चीज़ की वजह से ना मेरा किसी भी काम को करने का दिल नहीं चाह रहा है। इवन के आप ये यकीन करें कि ईद का दिन है, ईद के दिन भी इन लोगों ने कोई रिलीफ नहीं दिया है, बार बार लाइट लेके गए हैं। और ईद के पहले दिन की बात है, ये बता दूसरे दिन की बात है, दो दो घंटे की लाइट लेके गए हैं ये लोग। जब लोगों ने आपको रिलीफ ही नहीं देना, इतने आपके आपका ये एक इतना ख़ास फेस्टिवल है कि आप इस दिन भी, चलो आम दिनों की तो चलो बात छोड़ो, उसमें तो बंदा बर्दाश्त कर ही लेता है कि भाई ये तो मामूल है हमारा लाइट का जाना वाना, लेकिन ईद के दिन तो थोड़ा सा आप लोग तो रिलीफ तो ना, ईद के दिन तो थोड़े दिन लाइट को ना भेज के थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, लेकिन नहीं नहीं कोई नहीं। खैर, अब मैं आई हूँ छत पे और मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि मैं ना बाज़ार जाना चाह रही थी अपने भाई के साथ। मैं कह रही थी कि मैं ना कुछ एक्स्ट्रा टब्स लेकर आऊँ, ये जिस तरह ये नहीं है ये वाले, इस तरह के लोकल टब्स लेकर आऊँ। ये जो मेरे यूज़ वाले टब है, वीडियोज़ बनाने वाली, ये टब्स बुक हो जाते हैं, ये धूपे पड़े पड़े ख़राब हो गए हैं, तो पता नहीं इनका क्या हाल होता है, टेक्स्चर किस तरह से निकलेंगे इनसे, क्योंकि टेक्स्चर अंदर स्टक हो चुके हैं। तो काम करना इंशाल्लाह ताला। और जैसे अब बारिशें भी में होती हैं नहीं होती हैं मुझे नहीं पता है, मैंने अपना काम थोड़ा बहुत कंटिन्यूसली करते रहना है। और अभी मैं थोड़ा सा वर्क प्लेस को क्लीन करूँगी। और आप सब बताएं आप सब की ईद कैसी गुजरी है, और जिन जिन की ईद अच्छी गुजरी है ज़रूर कमेंट आके बताएं, जिनकी नहीं कमेंट करके बताएं, जिनकी नहीं गुजरी वो भी बताएं, मुझे पता चले भाई मैं कल ही नहीं। खैर, ईद के दिन सोचा था कि मैं आप लोगों के लिए कोई ना कोई ईद की वीडियो बना दूंगी, लेकिन वो भी नहीं बना सकी है। ये सब आपके मूड पर डिपेंड करता है, अगर आपका मूड अच्छा नहीं है ना, आप किसी काम को हाथ नहीं लगाते हो। ये तो कुछ लोग होते ना कि मूड नहीं भी अच्छा होता तो फिर भी काम कर लेते हैं, लेकिन नहीं मैं नहीं करती है, मेरी अगर तबीयत नहीं ना इजाज़त दे रही होती है, मेरा मूड नहीं इजाज़त दे रहा होता है, इवन कि मैं तैयार भी नहीं हुई ईद वाले दिन, तैयार भी नहीं हुई है, कपड़े भी जो स्टिच पड़े हुए थे वो मैंने नहीं पहने। तो खैर कोई नहीं, ईद जो होती है ना, बस कोई ना कोई इंसान को एक ऐसा
अंदर जो एक चल रहा होता है ना दिमाग में, क्या कह सकते हैं, मैं हर बात अपनी दिल नहीं करता कोई मजाक एक्सप्लेनेशन दूँ अपने अंदर की चीज़ों को लेकर। हाँ कभी कभी कर देती हूँ इजहार, लेकिन मोस्टली मेरा कोशिश होती है, मेरे लफ्ज़ ऊपर नीचे हो जाते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं ना अपने अंदर ही अपनी ज़्यादातर जो भी फीलिंग्स हैं ना अंदर ही रखूँ, अंदर जो भी एक्सप्रेशन कह रही हूँ एक्सप्लेनेशन होती है ना अंदर ही रखूँ, लेकिन कई बार कर देती हूँ इजहार मूड पे, यू नो मूड नू दफ़ा मारो गोली मारो। हले मैं छाते थे आई हैं, धूप ऊपर निकली हुई है, 5 से ऊपर टाइम हो चुका है और धूप दिखे, तो मैं जल्दी से ना मोबाइल को थोड़ा सा रखती हूँ। और ये क्यों है, तो मैं ना देखती हूँ क्या करना है, तो मैं ये मुल्तानी मिट्टी के टेक्सचर को ज़रा सेट कर लूँ, नीचे से जगह सारी साफ़ कर लूँ, टब्स थोड़े इधर उधर कर लूँ, कीड़े मकोड़े ना हो गए, बरसात का महीना है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे इंशाल्लाह। वो देखिए मैंने ना टब से ना सारा पानी निकाल के फेंका, पहले मैंने सोचा हो मैं दिखा ही देती हूँ, तो अब मैंने एक टब रह गया, ये इतना वक्त नहीं है ना, ज़रा ये जो है मोबाइल जो है ना बार बार टच होता है तो इससे बड़ा शोर होता है, मैंने थोड़ा सा इसको सेट कर लूँ अच्छे से। खैर ये देखिए ये पानी है ना, मैं इसको आपको दिखाती हूँ किस तरह मैं फेंकूँगी, इतना वजन ही, खलाड़ा पड़ गया, इतना वजन ही था ना, लेकिन क्या करती पानी में सब फेंकता था ना मैंने। खैर मैं हाथों से टेक्सचर को उठाती हूँ और फिर आपको बाद में दिखाती हूँ सारी जगह साफ करते हुए। खलाड़ा जीरा हैगा ना वो तो फुल पै गया, ये देखो, तो मैं ना इस टेक्सचर को उठा लूँ, मैंने ना पानी फिर फेंकना, मैं टब में पानी भर के लगी, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी उन लोगों ने ना पाइप ला के ना बीच में बड़ा खलाड़ा डाल दिया, ये पाइप जो आया हुआ है, मैं ना आपको पानी ना फेंकते हुए दिखाती हूँ, जो डस्ट है ना डर्ट है सब निकले, पानी इस तरह थोड़ा सही है, मैं ब्रश फेंक रही, तो अब ना मैं आपको पानी भर के पाइप की वजह से ना मुझे बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है सफाई की वजह से, मैंने यहाँ पे पानी फेंक फेंक इतना पानी फेंका है कि जगह से डस्ट जो है ना, लेकिन फिर भी फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि अरे काम अभी भी होना ही गंदा ही है, क्योंकि पसीना आ गया फुल और हाथ में दर्द होने लग गई है। ये देखिए सबसे ज़्यादा इरीटेशन हो रही है जो टब्स भरे पड़े हैं ना टेक्सचरों के, उनसे बहुत ज़्यादा बेजार हो रही हूँ मैं, ये सारी हर बारिश के बाद का सीन है। मुल्तानी मिट्टी का टेक्सचर और वो मैंने इसको कट्स लगाती हूँ, ठीक है आपके सामने कट्स लगाती हूँ ताकि ये देखें वीडियो बनानी आई मैं ऊपर, लेकिन सेम ही नज़र आ रही है कि जब ये शीट्स कवर पड़ी होती ना टेक्सचरों पे, तो इस वजह से ना मुझसे काम नहीं कोई हो पाता, ये तो कि बस
बस अभी कल तक अगर धूप लगी तो ये निकला ही नहीं इंशाल्लाह। मैं फिर वीडियो बना लेती हूँ जल्दी से रेड डर्ट की सॉफ्ट वाली। और जब मेरा ये जल्दी से मेरी मतलब मेरी आज वीडियो ना बन फिर देख लेता क्या मैं करती हूँ। तो मैं ना ये मैंने आपके सामने उस दिन इसको बस पानी में मिक्स करके रख दिया था, आधा मैंने इसमें रखा था आधा मैंने दामर में रखा था क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा पानी डाला था बाद में इसको अच्छे से लिक्विड बनाने के लिए। और मैं आपको वोला भी दिखा देती हूँ टब में जो दाबड़े में पड़ा हुआ है वो अभी तक लिक्विड ही है क्योंकि वो जो टेक्स्चर है वो शीट के नीचे ही था। ये थोड़ा मैला हो गया क्योंकि इस पर डस्ट बड़ी पड़ी है, लेकिन जो वोल है ना शीट के नीचे पड़ा हुआ टेक्स्चर में वो आपको दिखाती हूँ। शीट का हाल चेक करें, इतनी मैली हो गई है ये जिसका कोई हिसाब नहीं। ये वो वाली शीट के नीचे दो टेक्सचर में डिवाइड करके रखा था मैंने, अब ये वाला देखिए कितना फ्रेश येलो है और जो ये वाला है ये कितना मैला हो गया। खैर मैं ना जल्दी से ना रेड डर्ट की सॉफ्ट वीडियो वाली है सॉफ्ट रेड डर्ट की वीडियो बना लेती हूँ और फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये वाली डर्ट भी ना इंजन की ऐसे ही पड़ी हुई है और इसको भी मैंने नहीं छेड़ा था उस दिन से, इसका भी ऊपर डस्ट आके जमी हुई है। ये ना इसके मुझे सेट हो जाएगी ये भी ना मुझे इसको अच्छे से कल आए बस ये पता नहीं ये सॉफ्ट होती है कि नहीं। चलो कट्स मैंने लगा दी है। चलो अब जब ये सेट हो जाएगी ना थोड़ी सी किनारे छोड़ेगी खुद ही बाहर निकल आएगी। और अब मैं ना रेड डर्ट की वीडियो बना लूँ जल्दी से, तो मिलते हैं फिर से आपको वीडियो बनाने के दौरान। सही से ना क्लीनिंग वाला कब होगी छत की, जब ये टब्स सारे फ्री हो जाएंगे फिर टब्स को जो फ्री होंगे उनको निकाल के सारा एक जगह बंदा सेट करता है और फिर उसके बाद बंदा जो है अपना काम करना शुरू करता है। ठीक है इस तरह से नहीं होता काम। अब ये जो रेड रेड नहीं ये वाली इसको मैं बाहर निकालती हूँ। ये देखिए इसको हम क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ये भी सॉफ्ट है, थोड़ी सी टूट भी सकती है। बस इतनी है नमी हवा में इतनी है। तो ये देखें ये भी गीली थी इसलिए बस सही से ना क्लीन ही हुई, लेकिन मैंने कर लिया क्लीन इसको। अब मैं इसको ना शीट उठाती हूँ इसके नीचे रखती हूँ। ठीक है मैं ज़रा इसको ज़रा एक मिनट शीट उठा लूँ। अच्छा ये देखिए मैंने शीट उठाई है, मैं वो रेड डर्ट को जल्दी से टब में रखती हूँ वीडियो बनाने के लिए और जो गीली वाली रेड डर्ट इसको वहीं पर रखती है। हे बड़ा एक गंदा तरीन वर्क प्लेस का सिस्टम माहौल लग रहा है फुल मैसी। मैं ज़रा टेक्सचर रख लूँ फिर मिलते हैं।